अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बशीर दुरानी। मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर की तीसरे हिस्से की जानब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा, वो ये है कि आपकी पर्सनल स्किल्स, आपने अपने पर्सनल स्किल्स में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है मोबाइल सॉफ्टवेयर सीखने से पहले, या मोबाइल सॉफ्टवेयर सीखने के मसलन शुरू में ही आपने कुछ चीज़ें सीखनी हैं। उसमें पर्सनल स्किल्स में आपका सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर का विंडो करना बहुत लाजमी है। विंडो का आना, विंडो करना, नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ आनी चाहिए आपको। शुरू में आपको कंप्यूटर के ड्राइवर्स की समझ आनी चाहिए कि कंप्यूटर के ड्राइवर्स किस तरह होते हैं, ड्राइवर्स मुख्तलिफ ड्राइवर्स इंस्टॉल करना, मुख्तलिफ ड्राइवर्स को अपग्रेड करना और मुख्तलिफ तरह की जो है ना कंप्यूटर की ट्रबल शूटिंग आपको आनी चाहिए। ये एक इंतहाई अहम चीज़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ड्राइवर्स नहीं है, ये ड्राइवर्स असल में मैंने खुद डिसेबल किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने अपने ड्राइवर्स की स्किल्स को, कंप्यूटर की स्किल्स को लाजमी समझना है। आप लोगों को ये चीज़ पहले सीख लेनी चाहिए ताकि आप लोगों को बाद में कोई मसला ना हो, आप लोगों की समझ से कोई चीज़ बाहर ना हो। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को इंग्लिश भी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुख्तलिफ फोरम्स पे, मुख्तलिफ जो आगे जाके मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन कौन से फोरम्स आपने इस्तेमाल करने हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे आपके जो मसाइल का हल है वो अगर किसी ने किया है तो वो मसाइल का हल वो आपको इंग्लिश में उन्होंने लिखा होता है, इंग्लिश में वो एक दूसरे को समझाते हैं। तो इंग्लिश का भी आपके पास जो है ना थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छी खासी होना ज़रूरी है। एक तो वो होता है कि आप लकीर के फ़कीर हैं जनाब भाजी, ये आदतन आप जो है ना कुछ कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप बहुत कुछ तो नहीं कर पाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा बहुत ही आप जो है ना काम कर पाएंगे, और मुख्तलिफ मसाइल में फंसने के बाद आप मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो एक तो ये आपकी पर्सनल स्किल्स में आपका ये हो गया। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों के फॉर्म्स मोबाइल सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, मोबाइल सॉफ्टवेयर की दुनिया में रहने के लिए आपको मुख्तलिफ फॉर्म्स में अपने आप को ऐड करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले जो आपका यूज़फुल टूल है वो है फेसबुक। यहाँ पर जैसे मैं ग्रुप्स में जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कितने सारे ग्रुप्स में मैं ऐड हूँ, मुख्तलिफ मसाइल के हल होते हैं, लोग उसको पोस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से भी आपको मालूमात का एक बहुत बड़ा ज़खीरा मिलेगा। ये वो ग्रुप्स हैं जिनके साथ मैं ऐड हूँ। फिर यहाँ पर आ जाए एक वेबसाइट है www.gsm forum.com। GSM फोरम जो है ना ये भी एक यूँ समझे कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान में, इंडिया में, आपके बांग्लादेश वगैरह में GSM फोरम बहुत ज़्यादा मशहूर है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने अपना खुद का GSM फोरम बनाया हुआ है। इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे कुछ लोगों ने वेबसाइट्स भी बनाई होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको एक वेबसाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वो है www.nddrom.com। needroom.com जो है ना वो भी आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में बहुत ज़्यादा मदद देगा। देखें ये इतने सारे ग्रुप्स हैं जिनके साथ मैं ऐड हूँ। ये देखें जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी मिसाल के तौर पर कंप्यूटर गीक हो गया, मोबाइल केयर सेंटर हो गया, इस तरह बहुत सारे हैं, GSM वर्ल्ड हो गया, मोबाइल मार्केट, CDMA सॉल्यूशन वर्ल्ड ऑफ GSM, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स में आपने अपने आप को ऐड कर देना है ताकि आपको
नए नए मसाइल का पता चलता रहे और उनके हल का भी पता चले, उनके मसाइल का भी आपको पता चलता रहे। यहाँ पर GSM फोरम में भी आप अपने आप को ऐड कर लें, मुख्तलिफ यहाँ पर जो है ना हर वक्त मसाइल के हल और मसाइल चलते रहते हैं। यहाँ पर आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, अपनी आईडी बना के आपने मुख्तलिफ चीज़ों की सर्च करनी है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ फर्मवेयर के, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयरों के लिंक भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर मुख्तलिफ हार्डवेयर की भी मसाइल के हल मिलेंगे। बहुत ही प्यारी चीज़ है। फिर नीड रूम, इसको गूगल में सर्च करते हैं। यहाँ पर जो है ना मेरे ख्याल से मुझसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पर गूगल में जाते हैं, नीड रूम पे भी आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत यूजफुल टूल है। ये आपको जो है ना, जैसे आपके क्यू मोबाइल हो गया, और भी बहुत सारे मोबाइल फोन हैं, ब्रांड्स हैं, ये देखिए इतने सारे ब्रांड्स हैं, इन सब के सॉफ्टवेयर मोस्टली चेकशुदा सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आते हैं SAM फर्मवेयर की तरफ। सेम फर्मवेयर जो है ना, इसको भी गूगल में सर्च मारते हैं। सेम फर्मवेयर जो है ना, सेम फर्मवेयर मेरे ख्याल से सेम फर्मवेयर है, SAM, हाँ जी सेम फर्मवेयर है। यहाँ पर भी आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये भी जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सैमसंग, खुसन सैमसंग के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए और कुछ मसाइल के हल भी यहाँ होते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर एक मॉडल है इसके, कनाडा, ये सारी कंट्रीज, मेक्सिको, जिस कंट्री का आप फर्मवेयर डाउनलोड करना चाहें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर सेम फर्मवेयर के बाद आप जाएंगे एक और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वेबसाइट है, वो है एंड्रॉयड फाइल होस्ट। ये भी एक बहुत यूजफुल टूल है, एक बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर वो है, वेबसाइट है, आपको बहुत काम देगा। यहाँ पर भी बहुत सारे फाइल, बहुत सारे मोबाइल फ़ोनों के आप यहाँ पर सर्च करें, आपको बहुत सारे मोबाइल फ़ोनों के सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास फर्मवेयर होने चाहिए, अच्छी खासी कलेक्शन होनी चाहिए आपके पास, और आपको पता होना चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ से डाउनलोड करना है। ये तीन हो गए, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपने गूगल में कोई भी मॉडल हो उसका आपने गूगल में सर्च करना है कि जी इस मोबाइल का सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्यू मोबाइल i6 मेटल, फिर उसके बाद उसका जो है ना फर्मवेयर लिख देना है। ये देखिए फ्लैश फाइल पहले ही लाइन पर आ गया। अभी इसको सर्च मारते हैं, देखिए मोबाइल फर्मवेयर .com है। इसके अलावा ये भी GSM फोरम का टैप टॉक है, आईफोन के, ये देखिए आईफोन अनलॉक .pk फर्मवेयर। यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल फ़ोनों के जो है ना अमेज फाइल, अमेजिंग फर्मवेयर, अमेज फर्मवेयर, ये भी एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, मुझे बहुत पसंद है। ये हमारे एक भाई है, उसने काविश की है हम लोगों के लिए एक यूँ समझे कि एक बहुत ही प्यारी सी वेबसाइट बनाई है। इसके अलावा GSM होस्टिंग भी आगे देखें, GSM होस्टिंग में भी आप लोगों को लिंक दे रहे हैं, तो ये चीज़ भी आप लोगों के जो है ना इल्म में इजाफा करेगा। तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, यहाँ जहाँ जहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप लोगों ने अपने पर्सनल स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, खुसन इंग्लिश सीखने पर और कंप्यूटर सीखने पर। जब तक आपको कंप्यूटर नहीं आएगा और इंग्लिश नहीं आएगा तब तक आप जो है ना अपने स्किल में इजाफा नहीं कर सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।